हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों, करेंगे प्रश्नोत्तर पार्ट एक नेक्स्ट हिंदी पुस्तक में से, आपकी कक्षा 4 की पुस्तक। पाठ का नाम है कजाकी। तो चलिए इसको कठिन शब्द से शुरू करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द में आते हैं कहानियाँ, व्याकुल, क्रोध, आश्चर्य, मुश्किल, कमलगट्टे, अंधेरा, रोटियाँ, नामकरण, सत्कार, सिंहासन, परिचित। ठीक है, अब हम करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है कजाकी। कजाकी का अर्थ होता है डाक लाने व ले जाने वाला। दूसरा बल्लम, लकड़ी का बड़ा व मोटा डंडा। वृतांत का अर्थ होता है वर्णन। अगला कमलगट्टे का अर्थ होता है एक प्रकार का फल। अगला बहाल, बहाल का अर्थ होता है वापस रखना। अब हम देखेंगे इसके खालिस्तान। पहला कजाकी खालिस्तान का बच्चा लाया था। कजाकी हिरण का बच्चा लाया था। दो, अगला हिरण के बच्चे का नाम खालिस्तान था मुन्नू। हिरण के बच्चे का नाम मुन्नू था। अगला कजाकी ने बालक के लिए खालिस्तान भिजवाए कमल गट्टे। अगला चौथा, अंत में पिताजी ने कजाकी को वापस खालिस्तान पर रख लिया। अंत में पिताजी ने कजाकी को वापस नौकरी पर रख लिया। प्रश्न नंबर दो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला जिसको देखकर डर लगे डरावना। दूसरा आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। तीसरा दया करने वाला दयालु। चौथा जिसके नीचे रेखा खिंची हो रेखांकित। प्रश्न नंबर तीन, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कजाकी को एक दिन डाक का थैला ला लेकर आने में देर क्यों हो गई। उत्तर, कजाकी को एक दिन डाक का थैला लाने लेकर आने में देर हो गई क्योंकि वह लेखक के लिए हिरण का बच्चा लेने गया था। अगला प्रश्न ख, देरी से आने के कारण कजाकी को क्या सजा मिली। देरी से आने के कारण बाबूजी ने कजाकी को नौकरी से निकाल दिया। अगला प्रश्न, बालक कजाकी का इंतज़ार क्यों करता था। उत्तर, बालक कजाकी का इंतज़ार इसलिए करता था क्योंकि कजाकी उसे कंधों पर बैठाकर घुमाता था, उसे कहानियाँ सुनाता था और उसके साथ खेलता था। तो इस तरह से बच्चों आपका ये पाठ समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी। अगर प्रश्नोत्तर समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।